धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा शनिवार को पाथरडी पहुंचे, जहां पाथरडी में नवनिर्मित स्टेशन, वेगन केयर सेंटर, चास नाला, रेलवे साइडिंग आदि स्थानों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी विभागों के अधिकारियों के साथ दौरा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्य के दौरान सभी विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कार्य के समय कोई भी परेशानी हो तो उसे जल्द समाधान कर लिया जाए। कहा कि पाथरडी से सिंदरी तक 4 लाइन बिछानी है, उसकी क्या प्रगति है इसका जायजा लिया गया। वहीं न्यू पाथरडी बाजार स्टेशन का ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वहीं भाड़ी रेलवे फाटक समीप अंडर पास बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। कहा कि चासनाला रेलवे साइडिंग की स्थिति खराब है, जगह जगह पानी जमा है, ट्रैक का काम शुरू किया जाएगा। वहीं गोलकडीह साइडिंग का भी कार्य जल्द शुरू होगा। मौके पर अमित कुमार डीआरएम, सीनियर डीएमई मुकेश कुमार सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद। निरीक्षण किया गया सर, यहाँ पे चास नाला अन्य जगह पे। हाँ, बेसिकली जो आज हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी टीम है, इसमें एडीएम है, सीनियर है, इंजीनियरिंग साइड से हैं, मैकेनिकल से हैं, ऑपरेटिंग से हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, और एसएनटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पीआरडी के ऑफिसर हैं। मतलब सारे स्टाफ के साथ हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया। बेसिकली जो आज का इंस्पेक्शन का मेन एम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो इंटर आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, स्पेशली सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेफ्टी एक डिपार्टमेंट अपनी सेफ्टी इंश्योर करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट की में से उसको क्या हेल्प चाहिए उसके बारे में ये दौरा किया गया। यहाँ सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम लोग आपस में सेफ्टी कोऑर्डिनेशन करके कैसे बेटर सेफ्टी की है इसके बारे में। इसमें हम लोगों ने जो चासनाला की साइडिंग है, चासनाला साइडिंग पर जो थोड़ा सा पुअर मेंटेनेंस है उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि हम लोग उसमें रिपेयर कर लेते हैं। प्लस कहीं पानी जमा हो रहा है, कई जगह पे मड पंपिंग हो रही है, इसके अलावा बाकी वैगन के रिपेयर, वैगन में हर वैगन कितने रिपेयर हो रहे हैं, उसमें क्या क्या डिफेक्ट है, उसको एक क्रॉस चेक किया है। इसके अलावा साथ में स्टेशन का इंस्पेक्शन चल रहा है, वहाँ पे जो रूट रेलवे इंटरलॉक है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में इंस्पेक्शन चल रहा है। प्लस यहाँ पे जो फ्यूचर में यहाँ जैसे पाथरडी से सिंदरी ब्लॉकहट तक में 4 लाइन आनी है, उसका क्या प्रोग्रेस है, ताकि यहाँ पर मूवमेंट और इसमें हो सके, प्लेटफॉर्म में क्या करनी है, पैसेंजर वेटिंग में, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन किया गया। ब्रिज का निर्माण सर प्लेटफॉर्म में नहीं होने से यात्रियों की परेशानी हो रही है। नहीं, ब्रिज का निर्माण हो रहा है सर, गटर आ गया ना, गटर आ गया है तो काम जल्दी लॉन्चिंग कर देंगे। अंडर पास पर सर क्या कहेंगे? अंडर पास में देखिए इसमें ऐसा कि इसमें एक पहले क्या होता है, अंडर पास वाइज पुशिंग होता है, तो रिलीविंग गटर हमारा भी सिंधी मासूम में काम चल रहा है, वहाँ से रिलीविंग गटर आएगी, रिलीविंग गटर इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट बेड कास्ट हो चुका है, फर्स्ट बेड काम चल रहा है, उसके बाद वो बॉक्स कास्ट होंगे, बॉक्स से यात्री ट्रेन वगैरह बढ़ेगा क्या? दो ट्रेन चल रही है, दो ट्रेन यहाँ चल रही है, दो सिंदरी में आती है, तो बस दूसरी दो ट्रेन टर्मिनल पर, तो सिंदरी है, सिंदरी यहाँ से कितना दूर पड़ता है? आठ किलोमीटर। तो वो तो जैसे दिल्ली में हम लोग क्या लेते हैं, दिल्ली सराय रोहिल्ला से निजामुद्दीन तक 40 किलोमीटर, जो भी ट्रेन चल रही दिल्ली की मानी जाती है, सैलरी दिल्ली में जितनी देते हैं उतनी यहाँ देते हैं, रोड जितना अच्छा दिल्ली में उतनी अच्छी यहाँ पे है। भविष्य में क्या कार्य प्रोग्राम है सर यहाँ पे यार्ड में, मतलब कि गाड़ी बढ़ाने यहाँ पे? देखिए डब्लिंग में काम होना है, सिंदरी सिंदरी से सॉरी पाथरडी से सिंदरी मास्टिंग तक के में 4 ट्रक आने हैं, एक वाई लूप बनना है, 2.5 एंड 5 एमटीपी का जो वॉशिंग काम है वो कंप्लीट करना है। साथ में ही हमारा प्रधानकंटा से रसिकपुर, रसिकपुर से सिंदरी सॉरी पाथरडी तक ये डब्लिंग काम होना है, काम चल रहा है, तेज चल रहा है। इस साल के एंड तक, मतलब फाइनेंशियल के एंड तक हम लोग उसको ट्रैक बिछाने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ में बिल्डिंग काम चल रहा है, सिग्नल से काम चल रहा है, यहाँ पे हम लोग एडिशनल लोडिंग के पॉइंट दे रहे हैं, और साथ में ही यहाँ पे जो आपका सेल का भी एडिशनल एक लोडिंग पॉइंट आने वाला है कासरा कोल माइंस के साथ में, प्लस एडिशनल प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं टूवर्ड गोलकडीह 6-9 उसके लिए भी साइडिंग के काम के बारे में सर्वे चल रहा है। सर गोलकडीह साइडिंग की स्थिति बहुत गंभीर है, वहाँ आए दिन गाड़ी गिर जाना, मतलब साइडिंग में जो है आदमी चलने से लेकर के गाड़ी चलने के भी परेशानी हो रही है, इस पर सर क्या कहें? एक तो पहली बात साइडिंग में आदमी चलता नहीं है जी, एक बात नहीं खत्म करते हैं, साइडिंग में कोई आदमी नहीं चलता, गाड़ी गिरने का समस्या बार बार, गाड़ी गिरने की समस्या है, तो उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, शायद वो उसको अबेंडन करने वाले हैं तो ज़्यादा मेंटेनेंस में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम यूसीसीओ से लगातार समन्वय बनाए हुए हैं, तो उसमें नेसेसरी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, प्लस वो नई साइडिंग की तरफ जा रहे हैं।
जल्दी ही नाइट साइडिंग कमीशन को।